Good morning, my dear student of standard 7th. Welcome back once again. And today we will start a new chapter and we will finish that chapter also. So there is no part system in this chapter. Straight away I am going to finish this chapter as it is a very small chapter. So it hardly required 15 to 20 minutes to finish it off. So your chapter number 7, consumer in the market. So consumer market mein milega, swimming pool mein toh milega nahi. Okay, so without any delay, let's get started. Okay, so here is your chapter number 7, consumer in the market. If you see in your textbook, below the chapter name, something is given to you. Make a list of the different things available in your house and fill the table accordingly. So friends, यहाँ पे आपको क्या कहा गया है? आपके घर में बहुत सारी चीजें होंगी. आपको उनकी लिस्ट बनानी है और आपको जो डिटेल फिलअप करने के लिए कहा गया है वो आपको फिल करना है. सीरीज नंबर, नेम ऑफ थिंग, प्रोड्यूस इन फार्म और फैक्ट्री, एंड वेयर विल यू बाय दिस थिंग्स. से फॉर एग्जांपल, मैं ये पैकेट लेता हूँ, ठीक है, रियल का फरारी चेवड़ा, मीठा वाला, तीखा मुझे पसंद नहीं है. तो चलो मैं इसका नाम लिखता हूँ नंबर 1 में, ठीक है. तो मैंने फरारी चेवड़ा पैकेट लिखा. अब प्रोड्यूसिंग, तो ये कहाँ प्रोड्यूस हुआ है? वेल, ये पैकेट में है तो ये फैक्ट्री में प्रोड्यूस हुआ होगा, ठीक है. अगर मेरे पास कोई कैरेट होती, गाजर होती, या फिर कोई टमाटर होता, तो वो कहाँ प्रोड्यूस होता? वो फार्म में प्रोड्यूस होता, ठीक है. एंड वेयर विल यू बाय दिस प्रोडक्ट फ्रॉम एंड वाई, आपने इसको कहाँ से खरीदा? वेल, ये पैकेट तो मैंने, मेरे पास में एक दुकान है, मैंने वहाँ से परचेस किया है. ओके, अगर मैं फ्रूट्स या वेजिटेबल परचेस करता तो मैं मार्केट से करता, ठीक है. समझ में आ रहा है ना आपको? चलो आगे बढ़ते हैं. वैसे आपको बहुत ज़्यादा लिस्ट बनानी है. वेल, दिस इज़ द मार्केट, है ना. ये हमारे ट्रेडिशनल साग मार्केट है. एंड हमारे मार्केट्स में आप देख सकते हो कि बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल बेचे जा रहे हैं, ठीक है. कोरोना के हिसाब से थोड़ा बहुत लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, एंड ऑल डेट, ठीक है. चलो, लेकिन आजकल हम लोग कहाँ खरीदारी करते हैं? वेल, हम लोग मॉल में जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे सीधा आप सामान एक ट्रॉली में सब इकट्ठा करते हो. फिर आपके यहाँ पे कुछ बारकोड रीडिंग आता है, वो से बारकोड रीडिंग मशीन के आगे आता है, पीप, सीधा बिल बन जाता है और आपको तुरंत बिल पे करके बाहर आ जाना है. सो आजकल मॉल का ज़माना है, पर पहले हम लोग मार्केट से खरीदते थे, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट मी रीड. वी परचेस मैनी थिंग फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, लाइक शॉप इन सोसाइटी, वीकेंड मार्केट, है ना, एंड बिग शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड शॉपिंग मॉल्स. देखो, हम लोग बहुत सारी अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं, जैसे कि इन लोगों ने कहा है शॉप्स इन सोसाइटी, है ना. अब ये फरारी चेवड़ा मुझे लेने जाना है तो मैं इसके लिए क्या दिल्ली जाऊँगा? नहीं, मेरे पास में जो शॉप है वहाँ से ही लूँगा. जो हमारे सोसाइटियों के आसपास में जो शॉप्स होती हैं, बेसिकली हम लोग वहाँ से ही खरीदारी प्रेफर करते हैं. वीकेंड मार्केट, चलो मुझे कोई वीकेंड मार्केट का एग्जाम्पल दो. ओके, लेट मी टेल यू. रविवार, हर संडे को साबरमती रिवर पे अपने रविवार लगती है ना, वो वीकेंड मार्केट है. बिग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, डी मार्ट हो गया, ओसियाज हो गया, ठीक है, बिग बाजार हो गया, ये सब क्या है? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल्स में ये सब आ जाते हैं, ठीक है. वन हैज़ टू पे मनी टू परचेस गुड्स फॉर दिस मार्केट, है ना. अब ये मैंने पैकेट लिया है तो मैं वैसे थोड़ी पैकेट लूँगा, उसको मुझे 10 रुपीज़ देने पड़े, है ना. 10 रुपीज़ का, देखो इधर प्राइस भी लिखा हुआ है ना, 10 रुपीज़ पे करूँगा तभी तो मुझे देगा, है ना. तो इन शॉर्ट, हम लोग कोई मोबाइल भी परचेस करते हैं तो सामने हम लोग पेमेंट करनी पड़ती है, तभी तो हमको सामान देगा. द पर्सन हु पे एंड परचेस ऑफ अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड कंज्यूमर, ठीक है. अब मैंने ये प्रोडक्ट परचेस किया, ठीक है, तो मैं क्या हो गया? कंज्यूमर, क्योंकि इस चीज़ को मैं कंज्यूम करूँगा. फॉर एग्जाम्पल, मुझे भी भूख लग रही है तो मैंने फरारी चेवड़ा खरीदा और उसको खाया, तो मैं कंज्यूमर हुआ ना, क्योंकि मैंने उसको यूज़ किया, है ना. अब मैं कोई ऐसी चीज़ थोड़ी खरीदूंगा जिसकी मुझे मतलब ज़रूरत ही ना हो, ठीक है. अब जो फैक्ट्री में जो नट बोल्ट्स बनते हैं, मैं उसको खरीदूंगा? नहीं, क्योंकि मैं उसकी कोई, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं उसका कंज्यूमर नहीं हूँ, ठीक है. आगे, इनवेरिएबली इट इज़ ऑब्जर्व डैट इन स्पाइट ऑफ स्पेंडिंग मनी, कंज्यूमर आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट,
दे परचेज और डोंट गेट देयर मनी वर्थ इन द मार्केट। एक्चुअली हम लोग मतलब सामान क्यों खरीदते क्यों हैं, ताकि हम अपनी ज़रूरतों को सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, मैंने बहुत दिन से फ्रेंच फ्राइज़ नहीं खाई, है ना। अब मैं फ्रेंच फ्राइज़ खाने जाऊँगा तो फ्रेंच फ्राइज़ खा के मुझे मज़ा आएगा, तभी तो मेरा पैसा वसूल है। अब मान लो फ्रेंच फ्राइज उसने नमक भर भर के डाल दिया और फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो हमारा पैसा तो वेस्ट हुआ ना। तो हम लोगों ने जो हमारा पैसा यूज़ किया था वो पैसा क्या हुआ, वेस्ट हो गया। तो हम लोग जो चीज़ें जो हम लोग चीज़ों पे पैसे स्पेंड कर रहे हैं, उसको हमको मतलब उसकी कीमत तो मिलनी चाहिए ना। अब देखना कुछ, लेकिन कहीं कहीं पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है। से फॉर एग्जाम्पल, मुझे ना बहुत दिनों से गुलाब जामुन खाने का मन हो रहा है, मतलब 3 4 महीने पहले खाया होगा। सो मैंने क्या डिसाइड किया, चलो गुलाब जामुन खाते हैं, और मैंने 4 गुलाब जामुन ऑर्डर किए। अब आप इमेजिन करो, जो पहला गुलाब जामुन मैंने मुंह में डाला और उसको खाया, उसको खा के कितना मज़ा आएगा। ठीक है, लेकिन जब मैं चौथा गुलाब जामुन खाऊंगा तब मुझे मुझे इतना मज़ा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पहले गुलाब जामुन में सारा मज़ा मिल चुका है ना। तो कई बार ऐसे भी ऐसी भी चीज़ें होती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एज अ कंज्यूमर यू ऑट टू गेट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड नॉट सफर लॉस, है ना। अब मैंने बताया, फ्रेंच फ्राइज़ वाले को बोलोगे कि भैया बहुत नमक डाला यार, कैसा फ्रेंच फ्राइज़ बनाए। अगर दुकान वाला अच्छा होगा ना, तो आपको फिर से नया फ्रेंच फ्राइज़ बना के देगा। हाँ, पर कीमत एक ही देगा, बराबर ना। तो हम लोग अगर तो हमारे मन में क्या आ जाता है कि ये चीज़ें अच्छी, इनकी क्वालिटी बढ़िया नहीं है। अगर आप कोई दुकान पे जाते हो और आप वहाँ पे या कोई होटल पे जाते हो, आप कुछ कंज्यूम करते हो, आपकी आपको जगह की चीज़ पसंद नहीं आएगी, तो आप नेक्स्ट टाइम वहाँ पे जाओगे, नहीं जाओगे। तो क्वालिटी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने अमेजोन से शूज़ ऑर्डर किए, शूज़ का नंबर है 7 नंबर आपके जूते का साइज है, और आपके पाँव में फिट हो ही नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे। ठीक है ना, क्योंकि आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो। फॉर दिस गवर्नमेंट हैज सैंक्शन द पर्टिकुलर सिंबल एंड मार्क फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग मार्क सजेस्ट करके रखे हैं। लेट मी टेल यू, देखो ये जब जो पहला सिंबल देख रहे हो, डेट इज़ कॉल्ड एग मार्क सिंबल, इट इज़ यूज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ठीक है, एग मार्क जो प्रोडक्ट होता है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए यूज होता है, एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। ISI सिंबल इज़ यूज फॉर द हाउस होल्ड प्रोडक्ट, जो घर के सामान होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। वुल मार्क इस सिंबल इज यूज फॉर द वुलन प्रोडक्ट, ठीक है, जो स्वेटर जैकेट्स आते हैं, वुलन प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें। BIS हॉल मार्क इज यूज फॉर द सिल्वर एंड गोल्ड ऑर्नामेंट, तो आप जब भी कोई ऑर्नामेंट या ज्वेलरी खरीदने जाओ, सोने की, चांदी की, प्लेटिनम की, इवन डायमंड्स की भी आती हैं, तो आप उसके लिए BIS हॉल मार्क देखना। ठीक है, अगर ये मार्क दिया हुआ है ना, डेट मीन्स आपकी कंपनी, ये कंपनी पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ज्वेलरी शॉप खोला, लेकिन मैंने अभी तक अपनी ज्वेलरी को BIS मार्क में अप्रूव नहीं करवाया है ना, और मैं ज्वेलरी कहाँ से परचेस करूँगा। मेरा कहीं ना कहीं से परचेस करके सेल तो करनी पड़ेगी ना, तो मैं ये मेक श्योर करूँगा कि उसका BIS हॉलमार्क हो, जिस भी कंपनी से मतलब मैं ज्वेलरी परचेस करूँ, है ना। अगर मैं वुलन क्लोथ परचेस कर रहा हूँ, तो मैं ये चेक करूँगा कंपनी के पास वुलन मार्क का सर्टिफिकेट है कि नहीं है। ये गवर्नमेंट एजेंसी है, ये ऐसे ही मतलब किसी को अपना मार्क नहीं देती है। वो देखती है कि आप कैसा मतलब प्रोडक्शन पैटर्न फॉलो करते हो, अगर वो हमारी प्रोडक्शन लाइन से खुश होते तो ही हमको ये मार्क अलॉट किया जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम जब भी जाओ, आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है, नाउ यूजुअली द थिंग्स मार्क इन दिस सिंबल आर नॉट बैड क्वालिटी एंड क्वांटिटी, मतलब इसकी क्वालिटी भी सही है और क्वांटिटी भी सही है। यहाँ पे 2 गोल्डन लाइन ली है। देर इज अ ग्रीन कलर मार्क इन द वेजिटेबल एडिबल्स, तो फॉर एग्जाम्पल ये मैंने पैकेट लिया है ना, यहाँ पे आप देखो ये ग्रीन मार्क दिख रहा है। ठीक है, तो ये ग्रीन मार्क क्या शो कर रहा है कि ये वेजिटेरियन चीज़ है, इसमें कोई भी नॉन वेज नहीं मिलाया गया। ठीक है, एंड देर इज ए रेड मार्क ओवर द नॉन वेजिटेरियन एडिबल्स। अगर यहाँ पर आप ग्रीन की जगह रेड या ब्राउन कलर होता ना, डेट मीन्स ये नॉन वेज चीज़ है, यानी इस चीज़ के, ये पैकेट के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं वो नॉन वेजिटेरियन है। तो भाई जो लोग वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का ध्यान रखते हैं, तो नेक्स्ट टाइम ग्रीन एंड रेड मार्क केयरफुली वॉच करना। ओके, आई यूज़ टू रिमेम्बर, मेरा एक फ्रेंड था,
एंड उसने बैग में से चॉकलेट निकाली और बोला, संदीप चॉकलेट खाएगा? ठीक है दे दे, मेरा भी ठीक है, खा लेते, बुला ले। तो उसमें ब्राउन मार्क था भाई, नॉनवेज है? बोला हाँ, मेरा मेरे अंकल सऊदी अरेबिया से लाए, नॉनवेज है। बोला हाँ। मैंने उसको वापस दे दी, क्यों? आई एम अ वेजिटेरियन। ओके, तो उसने खा, उसने जानबूझ के मुझे है ना दिखा दिखा के, देख नॉनवेज खा रहा हूँ, देख देख नॉनवेज खा रहा हूँ। बोला ठीक है खा ले भाई, तू खाता है तो खा ले, मैं नहीं खाता हूँ। सो अवॉइड किया मैंने, ठीक है। सो कई बार आप जो बेकरी में से जो केक्स लाते हो उससे भी पहले कंफर्म कर लिया करो, क्योंकि उसमें वो लोग अंडे मिलाते हैं कुछ ये सब चीज़ें। तो आप अपने जो भी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो ऑथेंटिक रखो कि वो प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है। एक्टिविटी, वॉट थिंग्स शुड बी कैप्ट इन माइंड वाइल परचेसिंग गुड्स? हमको सामान खरीदते समय हमको कौन सी चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए? फिल द इंफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग टेबल फ्रॉम द रैपर ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो आपको रैपर्स कलेक्ट करके आपको ये इन्फॉर्मेशन करनी है। वाह, चलो नेम ऑफ द प्रोडक्ट, चलो अब हम लोग नेम ऑफ द प्रोडक्ट लिखते हैं। इट्स अ रियल फरारी चिवड़ा, प्रिंटेड प्राइस। तो भाई इसकी प्राइस तो यहाँ पे प्रिंटेड ही है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ है। नेम ऑफ द कंपनी, वेल ये कंपनी रियल की है, रियल नमकीन। ओके, नेट वेट, इसका वेट कितना है? सो लेट मी चेक, इसका वेट मुझे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। सो लेक्चर छोड़ के भाग मत जाना। एनी हाउ, चलो इसका वेट ले, ऐसी कैसी कंपनी, हाँ 50 ग्राम। ओके, इसका वेट यहाँ पे कहीं पता नहीं पूरा ऐसे पढ़ लिया तब जाके यहाँ पे 50 ग्राम लिखा हुआ है। एंड डेट एंड मंथ ऑफ पैकिंग, अच्छा इसको कब पैक किया गया है, तो देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है 27/10/2020 यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये 27 डेट को ये पैकिंग हुई थी। एंड यही नहीं, इन्होंने डेट ऑफ मंथ ऑफ पैकिंग तो नहीं लिखा है, टाइम भी लिखा है, यानी 11 रात, मतलब शाम को 11:23 पे इसकी पैकिंग हुई थी। मीन्स सो एक्यूरेट, गुड। इसके अलावा एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट क्या होता है? देखो इस चीज़, इस पैकेट को अगर मैं आज से 100 साल बाद खाऊंगा तो मेरा पेट ख़राब हो जाएगा, है ना। अभी AMC ने, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एक नोटिस जारी किया है कि अब से मिठाइयों के भी एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, है ना। स्वीट्स आप जो खाते हो, बहुत पुरानी स्वीट्स खाओगे तो क्या होगा, उसमें फंगस बैक्टीरिया पता नहीं क्या क्या होगा, उसको खा के आप मज़ा तो भूल जाओ, हॉस्पिटलाइज हो जाओगे, ठीक है। सो हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। ओके, एंड यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डेट तो लिखी है, नेट वेट भी लिखा हुआ है, एंड स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस, आपको ठंडी जगह पे उसको स्टोर करना चाहिए। कीप अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट इस पर नहीं आनी चाहिए। एंड कीप एन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में हो तो ज़्यादा बढ़िया है, बट यहाँ पे कुछ एक्सपायरी डेट, इन्होंने नहीं दिए। सो ठीक है, आई थिंक 1-2 महीने के अंदर ही, 2-3 महीने पुरानी चीज़ हो ज़्यादा अच्छा है, पर ये सब चीज़ें ना 6 महीने तक फ्रेश रहती हैं, लेट मी टेल यू। ओके, आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट, सो ठीक है, आई एम लिविंग ऑन यू। ठीक है, आगे क्या लिखा है? सिंबल ऑफ अथॉरिटी, तो यहाँ पे कोई भी सिंबल ऑफ अथॉरिटी, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक कंपनी है FSSAI, और इनका लाइसेंस नंबर भी इन लोगों ने शो किया हुआ है, डेट मीन्स इट्स अ गुड थिंग। और ऐसे तो आप ये इमेज ऐप पे तो ये वीडियो अवेलेबल ही रहेगा, नेक्स्ट टाइम आप जब बैठो साथ में ये पैकेट लेके भी बैठना, ठीक है, फरारी चिवड़ा ही लेके बैठना, अच्छा आता है, खाओ। वैसे ये वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं इसको छोड़ूंगा, थोड़ी खा जाऊंगा। एनी हाउ, चलो, और इसके अलावा इन लोगों ने कुछ और भी, मतलब कंपनियों से उन्होंने सर्टिफिकेट ले रखा है। एंड वेयर इज इट यूज, वेल जब भूख लगेगी पैकेट खोलो और खा लो, सिंपल, है ना। चलो अभी पास दूसरा प्रोडक्ट भी है, ठीक है, एक बच्चे की दिवाली होमवर्क आई है तो मैंने उठा ली, एंड लेट्स सी क्या है। तो नेम ऑफ द प्रोडक्ट,
वेल इट्स अ स्क्रैप बुक, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग सब दिवाली होमवर्क करते हैं, तो ये स्क्रैप बुक है। प्रिंटेड प्राइस है ना, तो इसका प्रिंटेड प्राइस कितना है? वेल इसका प्रिंटेड प्राइस इधर लिखा है 4040 रुपीज़, ठीक है। आगे नेम ऑफ द कंपनी, वेल ये स्क्रैप बुक है ये नवनीत की है, ठीक है, नवनीत की स्क्रैप बुक है ये, ओके। एंड इसका नेट वेट कितना है? वेल बुक्स का क्या वेट होता होगा, बट मे बी ये लोग देते हो शायद, इसमें कहीं पे भी बुक का वेट नहीं लिखा हुआ है, ओके। एंड नहीं, हल्की फुल्की बुक है, इसका क्या वेट देने की ज़रूरत है, बट यूजुअली जितने भी मोबाइल्स कंपनी होती है ना, वो सब देते हैं कि इतना वेट हुआ है। हाँ, पर इसमें कितने पेजेस यूज हुए हैं वो लोग ज़रूर देते हैं, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है 32 पेजेस, ओके। सो बुक्स वेट से नहीं, पेजेस से जानी जाती है, ओके। आगे अब डेट एंड मंथ ऑफ पैकिंग, इसको कब पैक किया गया है। सो लेट मी चेक इट आउट कि इसका इन लोगों ने शायद मैन्युफैक्चरिंग डेट दिया हो। नहीं, इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं दिया गया है, ठीक है, क्योंकि ये खाने की चीज़ नहीं है, ओके। सो इसको हम लोग कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस इन लोगों ने 2017 लिखा हुआ है, ठीक है, आई थिंक ये बहुत पुरानी बुक है। सो एक्सपायरी डेट, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, इसको हम लोग कभी भी यूज़ कर सकते हैं। एंड सिंबल ऑफ अथॉरिटी, वेल ये प्रोडक्ट जेन्युइन है, इसकी क्या अथॉरिटी है? वेल इन्होंने अपने ऑफिस का नाम दिया हुआ है, फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। एज सच इन लोगों ने कोई ऐसा इंटरनेशनल एक्लेम नहीं किया हुआ है, क्योंकि इसमें इस ज़रूरत भी नहीं है। एंड वेयर इट इज़ यूज, वेल इसको हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड ऑल डेट, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोग कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया। अब चलो, अब हमको एक क्वेश्चन दिया गया है, थिंक वाई डू वी नीड टू थिंक द डिटेल मेंशन इन द टेबल वेयर परचेसिंग द प्रोडक्ट, इन सबकी हमको ज़रूरत क्या है? इन वॉट वे द कंज्यूमर डिससेटिस्फाई विद द शॉपकीपर, कंज्यूमर किसी शॉपकीपर से कब नाराज़ होता है? जब वो उसका सामान रिटर्न नहीं लेता है, जब सामान ठीक से वो देता नहीं है, या कोई गलत सामान आ गया हो, ठीक है, तभी हम लोग दुकान वाले से नाराज़ होते हैं, अदरवाइज हमको दुकान वाले से क्या प्रॉब्लम है। जागो ग्राहक जागो, वॉट डज द वर्ड जागो मीन्स, एंड वॉट शुड बी द कंज्यूमर बी अवेयर ऑफ, डिस्कस। तो एक गवर्नमेंट ने मुहिम चलाई थी जागो ग्राहक जागो, जागो का मतलब हमको अलर्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है। कंज्यूमर राइट्स, हमारे पास एज ए कंज्यूमर हमारे पास क्या क्या राइट्स है? राइट्स आर गिवन टू द कंज्यूमर सो डैट ही और सी गेट्स हीज और हर मनी वर्थ वाइल परचेजिंग द प्रोडक्ट। हम लोग जो सामान खरीदे हैं, हमको हमारे सामान की प्रॉपर कीमत मिले, हमारा पैसा वसूल हो, ठीक है। ये हमारे गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, ये हमारा राइट भी है। राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द गुड्स यू टू चूज एंड कंप्लेन इफ नॉट सेटिस्फाइड विद द परचेज प्रोडक्ट। तो आपको अपने सामान चूज करने का राइट है। आप दुकान में जाओगे, आपको बोलेगा नहीं आपको यही फ़ोन खरीदना पड़ेगा, नहीं भाई, हम लोग कंज्यूमर हैं, हम लोग खुद डिसाइड करेंगे कि दुकान में हमको क्या परचेज करना है, ठीक है। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल, आज कुछ 4-5 साल पहले की बात है, मैं एक माइक्रोमैक्स का फ़ोन लेने गया था, बट नहीं भाई साहब, तो मुझे सैमसंग का फ़ोन ही चिपका रहे हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई दुकान वाला पर्टिकुलर चीज़ चिपका है ना, तो समझ जाना उसको उस प्रोडक्ट पर ज़्यादा कमीशन मिल रहा है ना। तो आपको क्या खरीदना है, पहले वेल इन एडवांस प्रिपेयर होके जाओ ना। अच्छा, मैंने बोला ठीक है, तो आप ये दे रहे हो उसमें आप क्या फीचर है? उसने बोला इतना कैमरा है। हाँ, तो मेरे माइक्रोमैक्स में इतने का कैमरा आएगा। अच्छा, बैटरी कितनी है? बोला इतने एमएएच की है, उससे ज़्यादा मेरी एमएएच की है। भाई वो प्रोडक्ट है आपके पास तो दे दो, वरना मुझे सैमसंग का फ़ोन नहीं ख़रीदना। तो वो फिर उसको मुझे माइक्रोमैक्स ही देना पड़ा, ओके। तो आप लोग थोड़ा इतना अलर्ट होकर जाओ ना, हम लोग फ़ोन का ख़रीदने से पहले चेक करते हैं ना, इसका कैमरा कितना है, इसमें बैटरी कितनी चलेगी, है ना। सब लोग हम लोग चेक करते हैं ना, यूट्यूब पे रिव्यू भी देखते हैं कि फ़ोन कैसा है, क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अलर्ट होके खरीदनी चाहिए। चलो, राइट टू डिमांड और बिल ऑफ द गुड्स ऑफ परचेस, और हम लोग जो भी चीज़ खरीद रहे हैं ना, उसका हमारे पास बिल ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। एक कहावत है गुजराती में, आप लोग कहीं पे बोर्ड पे भी पढ़ते होंगे, जे बिल मांगे एनो नसीब जागे, है ना। ये गवर्नमेंट ने मतलब एक स्लोगन दिया था, मीन्स अगर हमारे पास बिल होगा तो हम लोग बहुत ही होगा। अब ये जागो ग्राहक जागो का पोस्टर लिखा हुआ है, इफ़ नॉट सेटिस्फाइड विद द गुड्स एंड सर्विसेज पैक्ड कमोडिटी,
अप्रोच कंज्यूमर केयर सेल, तो कंज्यूमर केयर का आपको नंबर दिया गया है, द डिटेल ऑफ विच गिवन बिलो इन द पैकेज. इफ इट इज़ द राइट टू नो द ग्रोस वेट एंड पैक एंड द कमोडिटी डिमांडेड एंड प्रिंटेड रिसिप्ट फ्री ऑफ कॉस्ट एंड रिटेलर डीलिंग इन द पैकेज कमोडिटी. देखो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कृषि भवन, न्यू डेली, 111-0001. एंड इसके वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है, www.fcamin.inc.in. और अगर आपको कंज्यूमर नंबर पर फ़ोन करना है तो आपको फ़ोन की डिटेल्स भी दी हुई है. अगर आपके साथ कभी फ्रॉड होता है, दुकान वाला आपको कॉपरेट नहीं करता है, तो यहाँ पे नंबर्स दिए गए, आप लोग वहाँ पे कर सकते हो. बट डोंट डू अननेसेसरी कॉल्स, ठीक है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे जेन्युइन कॉल्स ही जाते हैं यूजुअली. बी अलर्ट एंड एनफोर्स द राइट ऑफ राइट एज अ कंज्यूमर. आपको कंज्यूमर आपके पास क्या राइट्स है उसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है. अब यहाँ पर आपको एक यूजुअली एक थिंग्स टू नो दिया हुआ है. ए पार्ट ऑफ अ बिल अमाउंट गोज टू द गवर्नमेंट विच इज नोन एज अ टैक्स. तो हम लोग जो से फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एक एयर कंडीशनर यानी AC परचेस किया. अब आप बोलेंगे सर दिसंबर में कौन AC परचेस करता है. अरे दिसंबर में तो प्राइस कम होते हैं, है ना, गर्मी के मौसम में जाओ फिर प्राइसेस बढ़ जाएंगे, है ना, तो इसलिए अभी खरीद लो कम प्राइस में, ठीक है ना. चलो और मान लो मैंने 40,000 का AC लिया और गवर्नमेंट उस पर 12% GST चार्ज करती है, तो 40,000 का अगर आप 12% कैलकुलेट करोगे तो 4,800 आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा. यानी 40,000 का AC और विद GST आपको पे करना पड़ेगा 44,800 समथिंग, ठीक है. तो आप जो कुछ अमाउंट पे करते हो तो वो कुछ टैक्स के फॉर्म में भी पे करते हो और वो फिर गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाता है, है ना. ठंडी हवा AC की आप खाओ और पैसा गवर्नमेंट कमाए, वाह भाई वाह. बट गवर्नमेंट ने भी तो मतलब वो AC बनाने वाली कंपनियों के लिए रोड नहीं बनाई, रेलवे ट्रैक्स नहीं बनाए, है ना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, तो गवर्नमेंट का टैक्स बनना बनता है. गवर्नमेंट यूज दिस मनी फॉर आवर वेलफेयर. अब वो गवर्नमेंट क्या पैसे अपने जेब में रख लेगी, नहीं, हमारे लिए अभी ये नई नई रोड्स कौन बना रहा है, रिपेयर्स कौन कर रहा है, ठीक है, हमारे लिए नई नई लाइब्रेरी, नए नए स्विमिंग पूल कौन ओपन कर रहा है, गवर्नमेंट ही कर रही है ऑफकोर्स, ठीक है. द कंज्यूमर हैज़ द राइट टू कंप्लेन अबाउट द प्रोडक्ट इफ ही और शी इज नॉट सेटिस्फाइड विद इट. अगर आपका प्रोडक्ट ठीक नहीं है तो आपके पास वो ऊपर नंबर दिए गए हैं, आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो. इन अक्टूबर 2005 इंडियन गवर्नमेंट पास्ड अ लॉ एज ए RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन. इट गिव्स अस टू राइट टू नो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफिसेस, ठीक है. ये RTI कैसे पास हुआ, वेल ये पहले महाराष्ट्र में अन्ना हजारे ने किया था. अन्ना हजारे उनके घर के पास एक ब्रिज बन रहा है ना, तो अन्ना हजारे ने गवर्नमेंट के ऑफिसर को जाके पूछा, भाई ये ब्रिज बन रहा है इसमें कितने पैसे लगे. तो ऑफिसर ने उनको बोला, भाई जाओ जाओ तुम्हारा काम नहीं है ये, हम ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देंगे. अन्ना हजारे वहाँ पे गुस्सा हो गए, क्यों नहीं दोगे, ये जो ब्रिज बन रहा है ये हमारी पब्लिक के पैसे से ही बन रहा है, हम लोग जब टैक्स दे रहे हैं तो हमारा ये राइट बनता है कि ये ब्रिज में खर्चा कितना हो रहा है. तो अनशन पे बैठ गए एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और RTI एक्ट पास करना पड़ा. और फिर यही चीज़ देख के फिर इंडियन गवर्नमेंट भी इंस्पायर्ड और इंडियन गवर्नमेंट ने भी RTI एक्ट फाइनली फ्रेम कर दिया, ठीक है ना. अब मेरे घर के पास से ब्रिज बन रहा है तो मैं चेक करूँगा ना कि भाई उन्होंने जो आयरन परचेस किया है वो कितने का परचेस किया है. मार्केट में अच्छा आयरन मान लो 200 रुपीज़ KG आ रहा है, कहीं उन्होंने घपला करके 600 रुपीज़ तो नहीं किया. और अगर RTI मालूम पड़ गया कि भाई उन लोगों ने बहुत ज़्यादा जानबूझ के महंगा परचेस किया है तो भी उन पे केस भी हो सकता है ना. तो RTI क्या करता है, एक तरह से करप्शन पे कंट्रोल करेगा, ठीक है. चलो एंड यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है, ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है, सिंपल सी स्टोरी है. देखो महेश भाई एक TV परचेस करते हैं, है ना, और बिल भी ले लेते हैं, गारंटी कार्ड भी ले लेते हैं, घर पे जाते हैं TV चलाते हैं, फिर TV थोड़ी देर के बाद बंद हो जाता है. महेश भाई टेंशन में, महेश भाई आते दुकान में थर्ड नंबर में और बोलते, भाई तुम्हारा TV था बंद हो गया, आके ले जाओ या रिपेयरिंग वाले को भेज दो. दुकान वाला बोलता है, भाई मेरा काम था TV बेचना, अब भी भाई मैं आगे कोई चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ. अब सोचो आप महेश भाई की जगह होती तो आप क्या करते, है ना, आपका तो इतना ज़्यादा पैसा है, तो है ना, आपने इतने पैसे दिए
इसलिए तो गवर्नमेंट ने जागो ग्राहक जागो की मुहिम लॉन्च की है। चलो अब देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। महेश भाई जाते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑफिस में, है ना। वहाँ पे जाते हैं, वो मैडम को अपनी सारी डिमांड्स रखते हैं नंबर 6 में कि देखो मैडम मेरे पास बिल है, मेरे साथ ऐसा ऐसा धोखा हुआ है सब। तो बाद में कोर्ट में बुलाया जाता है, टीवी वाले को भी बुलाया जाता है और महेश भाई को भी बुलाया जाता है। महेश भाई अपना केस खुद प्रेजेंट करते हैं और जज बोलते हैं कि भाई सही है, तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं और मैंने सब क्रॉस चेक कर लिया है। बाद में जजमेंट दिया जाता है। क्या जजमेंट दिया जाता है, नंबर 9 पे पढ़ो। देखो, महेश भाई पेड द एंटायर अमाउंट बट डिड नॉट गेट द गुड क्वालिटी ऑफ टीवी सेट। महेश भाई ने टीवी के पूरे पैसे दिए लेकिन अच्छा टीवी उनको नहीं मिला। ए शॉपकीपर शुड नॉट बी इररिस्पॉन्सिबल टुवर्ड द नीड्स ऑफ कंज्यूमर। और जो शॉपकीपर का एटीट्यूड है ना, वो बहुत ही गलत है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द कोर्ट ऑर्डर अ न्यू टीवी सेट शुड बी गिवन टू महेश भाई इन प्लेस ऑफ द ओल्ड विद इन अ वीक। हफ्ते के अंदर दुकान वाले को महेश भाई को नया टीवी देना पड़ेगा। अब चाहे कंपनी में जो भी उसको करना है, जब उसने बोला है कि भाई 1 साल की वारंटी है तो वारंटी फुलफिल करनी पड़ेगी। कुछ लोग जानबूझ के वारंटी ने गारंटी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, है ना। जब कंज्यूमर को सामान बेचना तो दुनिया भर के झूठ बोले जाते हैं, है ना। बहुत सारे झूठ आपको ही बोले जाते हैं, वोल्विटा पियो मसल स्ट्रांग हो जाएंगे, कुछ नहीं होता है। मैंने भी बहुत पिया था, है ना, नहीं तो मेरी हाइट 7 फुट होनी चाहिए थी, नहीं है। कॉम्प्लेन, ये सब आपको बस दिखाते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा ना कि वो क्रीम लगाते हैं ना, गोरे चिट्टे हो जाते हैं, कुछ नहीं होता है, ठीक है। अंदर से अच्छा खाना खाओ, ठीक है। अभी ये देखो, सॉरी ये बाउंस, एक सेकेंड है, जैसे ये बाउंस के बिस्किट हैं, ठीक है। अब नॉर्मल मैं इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया है, रिफाइंड व्हीट फ्लोर मैदा। अब बताओ मैदा कोई शरीर के लिए अच्छी चीज़ है, नहीं है, है ना। फिर आगे शुगर, शुगर खाते रहो फिर क्या होगा, डायबिटीज होगी। और आगे क्या लिखा है, रिफाइंड पाम ऑयल, अब ये क्या होता है मुझे भी नहीं पता। इन्वर्टेड सिरप, फिर यहाँ पे रेजिंग एजेंट्स, बराबर। मीन्स वो लोग रेजिंग एजेंट्स का मतलब सिंपल हो, कुछ ना कुछ केमिकल मिलाया हुआ है। मतलब तुम लोग समझो कि एक हमने यूजुअली एक टमाटर खेत से तोड़ा, उस टमाटर को 3-4 दिन में खा लेना चाहिए। मैं उसको 10 दिन बाद खाऊंगा तो वो सड़ नहीं जाएगा, है ना, नहीं खाने लायक रहेगा। उस टमाटर को मैं अगर ज़मीन में गाड़ दूंगा तो उसके बीज में से नया पौधा निकलेगा, निकलेगा। लेकिन ये बिस्किट जो है ना, मैं इस पैकेट से निकालूंगा और उसको तो मैं 6 महीने बाद भी खा सकता हूँ, क्यों, केमिकल्स मिलाए हुए हैं। और उस बिस्किट को मैं अगर ज़मीन में गाड़ूंगा तो क्या बिस्किट का पेड़ निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें लाइफ ही नहीं है और टमाटर में लाइफ है। ऐसा खाना खाओ जिसमें लाइफ हो, ठीक है। सो बाकी चॉइस आपकी है। कोरोना ने हमको ये सिखाया है कि खाना हेल्दी खाओगे तो हेल्दी रहोगे, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, बीमारी हो भी जाएगी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर खाते रहो यही सब पैकेट्स, है ना, ठीक है। इतना सब कुछ ज्ञान देने के बाद मेरा भी खाने का मन नहीं कर रहा है, मैं भी किसी को डोनेट कर ही दूंगा। एनी हाउ, कभी कभार महीने में 15-20 दिन में एक आध बार खाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इन सब चीज़ों को आप अवॉइड करो, है ना। कंज्यूमर तो आप हो ही गए अच्छे, लेकिन अब आप एक अच्छी चीज़ों को भी कंज्यूम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। बाकी चॉइस आपकी है। एंड थैंक यू वेरी मच। अब बहुत जल्द इसके क्वेश्चन आंसर भी लेके आऊँगा। यू गाइस आर अमेजिंग एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय एवरीवन।